बच्चों, इससे पहले मैंने आपसे पहला पहले पार्ट फिर चर्चा की थी कि हमारे आसपास के पदार्थ, और आज हम शुरू करेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलें हम बोर्ड की ओर चलते हैं और आप लोग सभी मेरे साथ ध्यान देंगे। आज हमारा पार्ट नंबर दो, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, क्या हमारे आस पास की पदार्थ शुद्ध हैं। ये हमारे पास आज विज्ञान का दूसरा पार्ट है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर, देखो इज इज मैटर अराउंड अराउंड अस प्योर। ये हमारे पास इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने देखो बच्चों, पिछले पिछले चैप्टर में भी पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा था, पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखो पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहली बात हम का बात कर रहे हैं पदार्थ क्या है। तो देखो संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। देखो संसार में, देखो किसे हम पदार्थ कह रहे हैं, देखो संसार में प्रत्येक वस्तु, अगर लिखना चाहो तो ये परिभाषाएं भी मेरे साथ लिखेंगे सारे बच्चे, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। देखो उसे उसे पदार्थ कहते हैं। और जो मुख्य बात हमने पिछली बार भी कही थी, हमने कहा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब देखो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में मिलकर बना होता है, हमने पिछले पार्ट में इन कणों के गुणों के बारे में पढ़ा था, पदार्थ के कणों के। और एक बात हमने और की थी कि पदार्थ की अवस्था है। देखो पदार्थ, अब माना मैं इस पेन की बात कर रहा हूं, माना मेरे हाथ पे जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। और ये भी कैसे बना हुआ है, छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना हुआ है। जितनी भी सामग्री हमारे आसपास है वो सारे क्या है, पदार्थ है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। सामान्यतः तो जो पदार्थ था उसके हमने पिछले 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 चैप्टर में भी आपसे बात की थी कि जो पदार्थ है मुख्यतः क्या होता है, पांच अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन से अवस्थाओं में पाया जाता है, वो ठोस, द्रव, गैस। ये देखो ये आपने तो हमेशा ये चीजें तो पढ़ी हैं आपने कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। इसके साथ साथ दो अवस्थाएं और होती है। देखो बच्चों, एक अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। और एक
अवस्था होती है, बास आइंस्टाइन कंडेंसेंस, आइंस्टाइन सॉरी, तो यहां पे ना लिख करके मैं यहां पे लिखता हूं बास आइंस्टाइन, बास आइंस्टाइन कंडेंसेट। बास आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो देखो ये ठोस द्रव और गैस, देखो बच्चों हमारे पास, अब देखो हम कह रहे हैं हम पांच अवस्थाओं की बात कर रहे हैं और मुख्य तो हम पढ़ते हैं ठोस द्रव और गैस। तो याद रखना सामान्य ताप पर, किस पर? सामान्य सामान्य ताप, या हम कह सकते हैं कि कमरे, जो हमारे कमरे का ताप होता है, कमरे के ताप पर ये दो अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं होती हैं। कौन कौन सी दो अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं होती हैं? प्लाज्मा और बास आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दो अवस्थाएं सामान्य ताप या कमरे के ताप पर प्रदर्शित या शो नहीं होती हैं। सिर्फ कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठीक हो गया। अब पदार्थ आप समझ, क्लियर हो गया पदार्थ की, जो जितनी भी हमारे पास सामग्री है जो बनी है उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये दो अवस्थाएं जो मैं कह रहा हूं, प्लाज्मा और आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्यों नहीं हम इसको पढ़ते हैं? क्योंकि ये सामान्य ताप पर, और सामान्य ताप कहें या इसको कहेंगे हम कमरे के ताप पर, ये दो अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं होती है। मुख्य रूप से कौन कौन सी अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब बात करेंगे बच्चों हम किस पर? पदार्थ पर। किस पर बात करेंगे? अब पदार्थ पर। किस पर बात करेंगे? पदार्थ। तो देखो पदार्थ पर हम बात करेंगे। पदार्थ देखो बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार, देखो पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो देखो तो कौन कौन से दो प्रकार होता है? एक हम कह रहे हैं अशुद्ध पदार्थ, इसकी बात कर रहे हैं हम, एक अशुद्ध पदार्थ, और दूसरी बात कर रहे हैं हम शुद्ध पदार्थ की। किसकी बात कर रहे हैं हम? शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे हैं। दो प्रकार से देखो मुख्य रूप से हमारे पास जो हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो कितने कितने फॉर्म में पाया जाता है? दो प्रकार का, दो प्रकार से पाया जाता है। एक हम शुद्ध पदार्थ, एक को कहते हैं हम अशुद्ध पदार्थ और दूसरा कहते हैं हम शुद्ध पदार्थ। और ये अशुद्ध पदार्थ भी फिर क्या होता है? दो भागों में बांटा जाता है। ये अशुद्ध पदार्थ भी कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, तत्व और यौगिक। अब देखो हम इतनी समझ गए, पदार्थ को हम समझ गए और पदार्थ की अवस्थाएं हमने पिछले पिछले पाठ में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, और ये दो अवस्थाएं क्यों, हम जो पांच अवस्थाओं की बात कर रहे हैं और दो अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं वो भी आपसे क्लियर हो गया। अब हमने पदार्थ को वर्गीकृत किया दो भागों में, एक अशुद्ध पदार्थ और एक शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ को भी फिर हमने कितने भागों में बांटा? तत्व में और यौगिक में। तो देखो बच्चों अब हम बात करेंगे कि हम पहली बात करेंगे हम कि अशुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो पहली चीज है देखो हमारे पास अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं? देखो बच्चों अशुद्ध पदार्थ हम किसको कहेंगे? या देखो तो अशुद्ध पदार्थ, देखो जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों, देखो देखो जब पदार्थ के कण, जब मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे सब लोग, क्योंकि पूरे पाठ के जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं। जब पदार्थ के कण, देखो जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों, अलग अलग रासायनिक, अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों, उसे
अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ या हम इसको मिश्रण भी कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, देखो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, मिश्रण कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। अब देखो किसे किसे कहेंगे हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, हम कह रहे हैं यहां पर, देखो बच्चों हम क्या कह रहे हैं यहां पर, हम बात कर रहे हैं कि यहां पर देखो हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, उनकी अलग अलग रासायनिक प्रकृति होती है। तो एक उदाहरण देखो मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, हमने देखो आप लोगों ने देखा होगा समुद्र का पानी हम कहते हैं कि कैसा होता है, खारा होता है, क्या मिला रहता है उसमें, नमक मिला रहता है, सब लोग जानते हैं कि जो समुद्र का पानी है। तो देखो समुद्र के पानी में क्या है, एक तो हमारे पास H2O, H2O किसका प्रतीक होता है, किस पानी, एक तो क्या हमारे पास पानी है और दूसरा क्या है उसमें मिला हुआ NaCl। तो देखो अब क्या कर रहा है कि पदार्थ अशुद्ध पदार्थ हम किसको कहेंगे कि जहां पर देखो अलग अलग रासायनिक प्रकृति के, तो देखो यहां पर पानी है ये जो H2O है इसकी रासायनिक प्रकृति अलग होगी, और जो NaCl है नमक इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन ये क्या क्या है एक साथ मिला हुआ, और क्या बना हुआ है समुद्र का पानी, पदार्थ बना हुआ है समुद्र का पानी। तो ऐसे पदार्थ के जहां पर क्या होते हैं जो कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ को हम कैसे पदार्थ कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक उदाहरण और समझ सकते हैं, वायु। देखो बच्चों हमें पता है कि वायु में मुख्य रूप से गैसें N2, CO2 गैसें होती हैं, है ना, N2 होती है, CO2 होती है, O2 होती है, O2 होती है ना। तो ये देखो ये इस गैस की प्रकृति अलग है, इस गैस की प्रकृति अलग है, और इस गैस की प्रकृति अलग है, यहीं पर समझ लो। देखो आप जो सीओ टू है ये आग को बुझाने में सहयोग देती है, देखो ना प्रकृति का मतलब समझ लो, तो आग को बुझाने में सहयोग देगी और ये आग को जलाने में सहयोग देती है, देखो ये आग को जलाने में सहयोग देती है, तो दोनों की देखो प्रकृति अलग अलग है कि नहीं, दोनों की प्रकृति अलग है, इसकी बुझाने की प्रकृति है और इसकी जलाने की प्रकृति है, लेकिन ये किसी एक पदार्थ बना हुआ सब मिल करके, जिस पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं वायु कह रहे हैं, जिसको क्या कह रहे हैं हम वायु कह रहे हैं। तो अब इस सेंस से क्लियर हो गया कि अशुद्ध पदार्थ हम किसको कहेंगे, जब पदार्थ के कणों में अलग अलग रासायनिक प्रकृति, और रासायनिक प्रकृति आप समझ गए यहाँ पर H2 और NaCl के गुण रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है, यहाँ पर CO2 और O2 के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ की तो बात हो गई, अब हम शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं पहले इसको समझ लो। तो देखो किसे कहेंगे हम शुद्ध पदार्थ, अब जब पदार्थ के सभी कण समान रासायन, ठीक इसका उल्टा, किसका, अशुद्ध पदार्थ का। अर्थात अशुद्ध पदार्थ में क्या थे, कैसे कैसे पदार्थ आप जिनकी रासायनिक प्रकृति क्या थी, अलग अलग थी, और शुद्ध पदार्थ देखो ठीक उसका उल्टा, जब पदार्थ के सभी कण, जब पदार्थ के सभी कण, पदार्थ के सभी कण समान, क्या होते हैं, समान रासायनिक प्रकृति के हों, समान रासायनिक, समान रासायनिक प्रकृति के, समान रासायनिक प्रकृति के हों, तो उसे कैसे, कैसा पदार्थ कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो उसे उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब देखो क्या समझे आप लोग, मैं बात कर रहा हूं जब पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, पानी का एक अणु बना H2O बना, ठीक है ना, तो किस किस को, ये देखो किस किस को मिलकर के बनता है, ये हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु को मिलकर के बनता है, ठीक है ना। तो देखो ये समान है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या है, समान है, ठीक है ना। तो इन इस समान प्रकृति, ये दोनों जो दोनों हैं
इन दोनों की समान प्रकृति है, और समान प्रकृति के बाद कौन सा पदार्थ बना है, H2O बना है। तो इस प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं जिसके कण क्या होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं। माना मैं NaCl की बात कर रहा हूं, NaCl की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर भी देखो जो Na है और जो Cl है इन दोनों की प्रकृति क्या होगी, समान होगी। इन दोनों की प्रकृति क्या होगी, समान होगी। तो समान होगी तो समान प्रकृति वाले जो ये कण हैं, इन कणों से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को हम कैसा पदार्थ कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा और आपको क्लियर करूं, व्यावहारिक बात करता हूं मैं, कि माना बाजार गए हम लोग, मैं गया और मेरे साथ कोई वैज्ञानिक भी गए, तो हमने देखो बाजार से, माना हम बाजार में गए, हमने बाजार में देखा दूध घी, ये तो सब लोगों ने देखा है, दूध देखा है, घी घी मक्खन, ये चीजें तो लेते हैं बाजार से, लेते हैं बाजार से मक्खन, मक्खन के बाद जो है नमक मसाला, नमक मसाला है ना, ये चीजें तो सामान्य लेते हैं, सब लोग लेते हैं, ठीक है ना, और जूस, और सब में लिखा रहता है कि सब क्या है, शुद्ध है, सब क्या है, शुद्ध है। अब देखो बच्चों, अगर मैं कह रहा हूं कोई, देखो हम जैसा साधारण व्यक्ति गया, ठीक है ना, हम जैसा साधारण व्यक्ति गया, तो वो देखो अगर हम जैसा कोई साधारण व्यक्ति गया, यहां देखो अगर कोई साधारण व्यक्ति गया तो उसे क्या लगेगा, देखो आपने देखा होगा अगर आप लोग जाओ दूध, दूध का पैकेट लो तो बाहर से लिखा रहता है शुद्ध दूध या शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन। तो जो हम जैसा सामान्य आदमी जाएगा तो वो क्या कहेगा, पदार्थ में कोई मिलावट न हो, सीधे क्या कहे, क्या समझेगा, क्या 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 चाहेगा कि पदार्थ में कोई मिलावट, पदार्थ में कोई मिलावट न हो, ऐसा सामान मुझे चाहिए कि पदार्थ में कोई, वो किसको शुद्ध मानेगा कि जिसमें पदार्थ में कोई मिलावट न हो, ठीक है ना बच्चों, ठीक। तो हम पूछ लेंगे हाँ भाई पदार्थ में कोई मिलावट तो नहीं, उसने कहा नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये क्या है, घी है। लेकिन इसी स्थान पर अगर कोई वैज्ञानिक जाता है, देखो बच्चों अगर कोई जाता है वैज्ञानिक, अगर कोई वैज्ञानिक जाते हैं तो देखो वो क्या वैज्ञानिक, इन देखो हमने कहा, मैं गया, मैं लाला के पास गया, मैंने कहा भाई देखो मुझे घी चाहिए और ऐसा घी चाहिए कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, तो मेरे लिए घी क्या हो गई, शुद्ध हो गई। लेकिन देखो जो अगर कोई वैज्ञानिक गया तो देखो वैज्ञानिक क्या मानेगा, ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, अथवा ये सारे कोई भी पदार्थ क्या है, शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक क्या मानेगा इसको, देखो वैज्ञानिक की क्या उदाहरण रहेगी, वो कहेगा कि ये सभी पदार्थ, ये सभी पदार्थ सॉरी ये सभी वस्तुएं, देखो ये सभी वस्तुएं, ये सभी वस्तुएं, ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है अथवा शुद्ध, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है अथवा शुद्ध नहीं है, मिश्रण है अतः शुद्ध नहीं है। देख लो बच्चों, जिसको शुद्ध नहीं है, जिसने हमने कहा कि हमें शुद्ध घी दो, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चाहे दूध है, चाहे घी है, चाहे मक्खन है, ये क्या है, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए ये शुद्ध नहीं है। देखो बच्चों, आप लोग जानते हैं दूध की बात अगर मैं करूं, दूध में जल होता है, प्रोटीन होती है और वसा होती, इन तीन चीजों का क्या है, ये मिश्रण है, कौन, दूध, जो क्या, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बाहर से लिखा हुआ है कि शुद्ध, अभी हमने कहा था। और देखो जल, प्रोटीन और वसा, अभी हमने शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा आपसे बताई थी, समान रासायनिक प्रवृत्ति के कणों को मिलकर के अगर बना है तो शुद्ध पदार्थ है, और असमान रासायनिक प्रकृति के कणों को मिलकर के पदार्थ बना है तो वो कैसा है, अशुद्ध पदार्थ है। तो अब हम देखो यहीं पर दूध की बात कर रहे हैं, तो देखो वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें जल, प्रोटीन और वसा, तीन चीजें मिली हुई है इसमें, है ना, तीन चीजों का पदार्थ है, ठीक है ना। तो देखो
अगर कोई वैज्ञानिक किसी वस्तु को शुद्ध मानता है तो उसके उनके अनुसार क्या होगा? देखो तो वैज्ञानिक किसी पदार्थ को अगर शुद्ध कहते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि उस पदार्थ में एक ही प्रकार की रासायनिक प्रकृति के कण होंगे। अंत में देख लीजिए, आप हम शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ देखो, अब शुद्ध पदार्थ किसको मानेंगे वैज्ञानिक? देखो वैज्ञानिक शुद्ध पदार्थ मानेंगे उस पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होगा जिसमें जिसमें एक ही प्रकार जिसमें जिसमें एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के कण होते हैं, एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के कण होते हैं, रासायनिक प्रकृति के कण होते हैं, रासायनिक प्रकृति के कण होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? अब आप लोग समझ गए। देखो हम बाजार गए, हमने कहा क्या दो? शुद्ध घी दो। तो अब आप लोग समझ गए कि हमारे पास जो घी है शुद्ध घी, आप शुद्ध घी का अर्थ सिर्फ उसका क्या है, खराब होने से नहीं है, समझ गए ना? अब आप अंत में शुद्ध पदार्थ को समझ लीजिए। तो अगर घी है हमारे आसपास, चाहे घी है, दूध है, या देखो समुद्र का जल भी है ना? तो समुद्र का जल भी क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है ना? तो ठीक है ना, तो अब हम क्लियर हो गए अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ को। तो बच्चों अब इसमें कोई कंफ्यूज होना चाहिए, अशुद्ध पदार्थ सीधी सी बात हो गई कि वे यौगिक, सॉरी वे पदार्थ जो जिनके कण क्या होते हैं, विभिन्न रासायनिक प्रकृति के होते हैं, और शुद्ध पदार्थ जिनके कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।